सब्सक्राइब कीजिए टेक जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सर, फिर से स्वागत है चैनल दोस्तों। आज का जो वीडियो प्रस्तुत नए यूट्यूबर्स के लिए, आप में से जो लोग यूट्यूब पर नए हैं उनमें से बहुत लोगों को पता नहीं होता अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं और एक बहुत ही बड़े लिंक को बहुत ही छोटा कर सकते हैं। दोस्तों मुझे भी शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है, दोस्तों आज मैं कुछ सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप में से कोई भी लोग बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको YouTube ओपन करना पड़ेगा। आप किसी भी ब्राउज़र से कर सकते हैं, मैं क्रोम से कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्रोम ओपन हो रहा है। दोस्तों क्रोम ओपन होने के बाद आपको YouTube ओपन करना पड़ेगा, तो मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ। तो YouTube ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, ओपन होने के बाद ये देखिए दोस्तों, YouTube ओपन है। ये जो चैनल का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक कीजिएगा तो आपको वीडियो आ जाएगा सामने। तो आप जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना चाहें उसके एडिट पर क्लिक कीजिए, ये जो ये एडिट है इस पर। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुके हैं। ये है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको लिंक लिखना है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा www.google.com। तो मैं अब इसे सेव कर लेता हूँ। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। प्ले हो रहा है। प्ले करने के बाद ये देखिए, प्ले करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये लिंक नहीं हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट ही है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसे लिंक नहीं होगा, इसलिए बैक कीजिए, एडिट में जाना पड़ेगा। जाके ये जो आपने लिखा था इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा http:// फिर एक स्लैश, फिर इसे हम सेव कर लेंगे। फिर देखिए बैक करूँगा, फिर इसे प्ले कीजिए। प्ले हो रहा है, ये देखिए। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये देखिए दोस्तों, ये अब लिंक हो चुका है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए दोस्तों, गूगल का पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए गूगल का ही पेज ओपन हो चुका है। तो मैंने गूगल का ही लिंक डाला था, आप देख सकते हैं। ये देखिए www.google.com आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप http लिख के एक लिंक ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने एक बड़े से URL को आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसे मिटा लेता हूँ थोड़ा, इसको मिटा लेता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ। फिर चलिए देखते हैं कैसे एक बड़े से URL को शॉर्ट कर किया जाए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो फ्लिपकार्ट ओपन हो रहा है। तो ओपन हो गया। अब आप चाहे तो किसी भी पेज का, ये जो मेमोरी कार्ड है इसका अगर एक बाइंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं तो देखिए, फ्लिपकार्ट ओपन हो रहा है ऐप। तो देखिए, ये इसका जो मेमोरी कार्ड है इसका आप एक बाइंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहे तो इसे क्लिक कीजिए। तो इस वाले का आप अगर ऐड करना चाहे तो इस पर क्लिक कीजिए। तो ओपन हो रहा है, ये देखिए इस पेज का एक बाइंग लिंक। तो ये जो है ये एक लिंक है,
ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा लिंक है। देखिए कितना बड़ा है ये, इतना बड़ा। ये जब आप कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे तो ये 2-3 लाइन में आ जाएगा। कभी कभी ये ठीक ठाक काम ही नहीं करता, इसलिए पहले आपको इसको फुल जो है, ये देखिए कितना बड़ा है, इसको फुल को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी दबा के कीबोर्ड से कॉपी कर लेना है। दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा GOO.DL। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए तो इसको ओपन करना है आपको, ओपन हो रहा है। तो देखिए गूगल का ही एक URL शॉर्टिंग का चीज़ है। तो ये देखिए गूगल का ही है URL शॉर्टिंग शॉर्टर। तो इस पर जो URL आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा कंट्रोल वी से। यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये जो साइट में शॉर्टिंग URL का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये हो गया शॉर्ट। देखिए कितना छोटा हो गया है, उतना बड़ा लिंक कितना छोटा हो गया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो पेज शो करेगा। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा हमको। तो ये देखिए पेज आ गया है। तो ये जो ये वाला जो है, इस पर आपको क्लिक करना है कॉपी। इसको इससे क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं URL को। क्लिक कीजिएगा, ये देखिए कॉपी हो चुका है। अब अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी पेस्ट करके। ये देखिए पेस्ट हो चुका है। फिर इसे सेव कर लीजिए, फिर बैक कीजिए और इसको प्ले कीजिए। देखिए इसको प्ले करूँगा तो प्ले हो रहा है। देखिए इसको, तो ये देखिए दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में चेक करता हूँ। लुकिए, ये देखिए दोस्तों, ये लिंक बन चुका है। इसमें मैं क्लिक करूँगा अगर, ये देखिए क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद वही पेज ओपन हो रहा है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से एक लिंक ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।